ब्रॉट टू यू बाय इन्फिनिक्स। आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली, टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। ये जो अभी मोरबी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर एक जो सेंटिमेंट जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, मेरी बातचीत का सिरा वही है कि क्या पार्टीज के अंदर, एक तो मैं कांग्रेस के अंदर की एक खबर सुन रहा हूँ लगातार कि कांग्रेस का एक हिस्सा है जो इसको लेके, इस पूरे घटनाक्रम को लेके राज्य सरकार को और बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये भी लोग ये बता रहे हैं कि शायद जयराम रमेश और अशोक गहलोत इसके पक्ष में नहीं है कि हमला इस पे, इसको लेकर राजनीति की जाए, इसको लेकर ऐसा कुछ किया जाए। क्या है सर मामला, कितना गंभीर है पॉलिटिकली अगर देखा जाए और सोशली भी देखा जाए तो? सर देखिए, आप इस परिप्रेक्ष्य में इसे देखिए कि मोरबी म्युनिसिपैलिटी जो है, जो राजकोट के बगल में है, ये बीजेपी का गढ़ रहा है। 1986 से अगर आप ले आज तक, केवल एक 2.5 साल का गैप था 2015 और 21 के बीच। वो गैप अगर आप छोड़िए तो लगातार बीजेपी करीब 4 दशक से मोरबी म्युनिसिपैलिटी पर अपनी पकड़ जमाई हुई है। 2021 में 52 सीटें उनकी आई। मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो चेयरपर्सन है कुसुम परमार, उनके जो हस्बैंड है वो बीजेपी के किसान सेल से बाहर जुड़े हुए हैं। यानी बीजेपी के लिए ये पूरा एक फोर्ट्रेस आप मान लीजिए। वहां की जो पाटीदार की राजनीति है, सौराष्ट्र की पाटीदार की जो राजनीति है, उसमें अर्बन इलाकों में राजकोट और इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहां बीजेपी का वर्चस्व पूरी तरह से रहा है। बीजेपी को नुकसान कहां हुआ पिछले चुनाव में? ग्रामीण सौराष्ट्र में, ग्रामीण एरियाज में। अब मोरबी की जो घटना है वो एक तरह से जरूर इस बात पर विपक्ष उस पर सवाल उठा सकती है कि गुजरात मॉडल की आप बार बार बात करते हैं, उस मॉडल के बीच में एक पुल इस तरह से गिरता है जो आपने एक प्राइवेट ऑपरेटर को दिया था, जिसके एक्सपीरियंस या कितना उन पर उनका अनुभव था ब्रिज बिल्डिंग में, उस पर सवाल उठा था। 15 साल का आपने कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया, तब आपकी सरकार म्युनिसिपैलिटी में थी और पूरी तरह से पिछले 15-25 सालों से गुजरात में है। ये सब सवाल बीजेपी पर जरूर उठाए जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गुजरात की जनता ये भी जानती है कि मोरबी की जो घटना है वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। अब गुजरात में मैंने देखा है इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण जब आप करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा सफलता नहीं मिलती। आज अगर आप गुजरात की राजनीति देखें, मुझे लगता है गुजरात की राजनीति अगर विपक्ष करना चाहता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के, आप नरेंद्र मोदी को इश्यू बनाकर गुजरात की राजनीति नहीं कर सकते, आपको उसे लोकलाइज करना पड़ेगा कि लोकल लेवल पर क्या म्युनिसिपैलिटीज जो है वो वाकई काम कर रही है। क्योंकि मोरबी के बाद यही सवाल उठाया जा रहा है और वाजिब सवाल है कि म्युनिसिपैलिटी कैसे कह सकती है कि हमें मालूम ही नहीं था कि इस ब्रिज को एक बार फिर रीओपन किया जा रहा है, जबकि इतने लोग वहां रोज 4-5 दिन से साल जो गुजराती न्यू ईयर था उसके बाद वहां इकट्ठा हो रहे थे। तो आप उस म्युनिसिपैलिटी के इनकॉम्पिटेंस पर, उस क्रिमिनल नेग्लिजेंस पर जरूर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि मोदी मॉडल या गुजरात मॉडल को लेकर आप एक मोरबी को लेकर एक मुहिम छेड़ सकते, तो हमने देखा ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आप देखिए ना, 52 सीटें अगर बीजेपी को आती है मोरबी म्युनिसिपैलिटी में, इसका मतलब है विपक्ष इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। यानी उस एरिया, आप ऐसे इलाके के बारे में बात कर रहे हैं जहां आप कह सकते हैं कांग्रेस इज वेरी मार्जिनल, आम आदमी पार्टी बहुत ही छोटी पार्टी है उस एरिया में। आज अगर कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कांग्रेस का एक 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 पकड़ है सौराष्ट्र में, या धीरे धीरे कुछ अर्बन पॉकेट्स में आ पा रही है, उसमें मैं मोरबी को नहीं गिनता। देखिए मोरबी जैसे जो म्युनिसिपल टाउन्स है, दे आर द बेसिस ऑफ बीजेपी सपोर्ट इन गुजरात, और गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां इस तरह के कई छोटे छोटे टाउन्स हैं जहां म्युनिसिपैलिटी जो है पूरी तरह से बीजेपी के कंट्रोल में है। ग्राम पंचायत में बीजेपी को कुछ चुनाव में जरूर चुनौती मिली थी, लेकिन जैसे आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पर आते हैं यू विल फाइंड कि बीजेपी का पूरा स्वीप होता है। तो मुझे नहीं लगता कि मोरबी को इश्यू बना के गुजरात भर में आप एक मुहिम छेड़ सकते हैं। हाँ, मोरबी में सवाल उठेंगे
मोरबी के इर्द गिर्द सवाल उठेंगे, लेकिन जो पकड़ बीजेपी की आज राजकोट और इर्द गिर्द के इलाकों में है उसको तुरंत हिलाना मुश्किल होगा। बेसिक इश्यू जो है, जो कुछ जो जिक्र हिमांशु ने किए, मैं देख रहा हूं कि उन पर जो जोर लगाया जा रहा है उस पर असर होता है। जब आप एजुकेशन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, पोर्टेबल वाटर की बात करते हैं, जो आपने देखा होगा मोरबी हॉस्पिटल के हाल, ये कोई मोरबी हॉस्पिटल ही नहीं, गुजरात के कई अस्पताल की यही हाल थे कोविड के जमाने में, क्योंकि जो जिस तरह से सिविल हॉस्पिटल वहां चलते हैं उस पर बहुत सवाल उठाए। तो ये जो लोकल सवाल अगर आप उठाएं तो जरूर आपको थोड़ा उसका असर मिलता है, बट एज अ स्टेट लेवल इश्यू ऑन गुजरात मॉडल मुझे नहीं लगता इस समय आप इसे एक स्टेट लेवल इश्यू बना सकते हैं। हाँ, मतलब जो गुजरात के अस्पतालों की आप बात कर रहे हैं तो कोविड सेकेंड वेव के समय अहमदाबाद के ही सिविक अस्पताल की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुए थे, बाहर एम्बुलेंसेस की लाइन लगी थी और हम सभी लोग किसी न किसी मौके पे कि किसी को बेड मिल जाए, किसी को रहने की जगह मिल जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए, गुजरात में ही लगे हुए थे। अच्छा, और मैं इसी से जोड़ के छोटी सी बात कहता हूँ, एक गुजरात के नेता मुझे कह रहे थे कि जिन एमएलएज ने कोविड में अच्छा काम किया है उनको कोई परेशानी नहीं होगी री इलेक्ट होने, लेकिन जो जो एक तरह से मिसिंग इन एक्शन थे, जो नहीं थे जब लोगों का दर्द बहुत था, जिन्होंने लोगों के साथ उस समय उनको सहारा नहीं दिया, ऐसे एमएलएस को री इलेक्ट होना बहुत मुश्किल होगा। उनको या तो बीजेपी रिप्लेस करेगी या अगर वो चुनाव लड़े तो उनको बड़ी भारी चुनौती होगी इस बार। ऐसे क्या ऐसे कोई फिगर आपसे आपकी बातचीत में आप लोगों से बातचीत में कुछ नेता कहते हैं कि ये फिगर कितना है इनएक्टिव एमएलएस का और एक्टिव एमएलएस का, क्या फिगर कुछ समझ में आता है सर आपको? अब मुझे जो कहा गया है कि बीजेपी करीब 25% अपने सिटिंग एमएलएस को बदल सकती है। अगर आप नरेंद्र मोदी जी का इतिहास देखें, गुजरात की राजनीति में 30-35% तक वो एमएलएस बदलते हैं, 1 in every 3, 3 में से 1 एमएलए आप देखेंगे मोदी जी ने मोर और लेस हर चुनाव में उस रेशियो में बदला है। तो आप देखेंगे, मुझे लगता है 25-30% तक बीजेपी के, अब 111 है कांग्रेस के डिफेक्शन के बाद, तो आप सोच सकते हैं कि 30-40 एमएलए ऐसे हो सकते हैं इस चुनाव में जिनको इस बार टिकट नहीं मिलेगी। और दूसरे राज्यों की तरह नहीं है कि आप बागी होके चुनाव जीत सकते हैं, आपको वो बीजेपी का सिंबल की जरूरत पड़ती है गुजरात में, मोदी जी के एक करिश्मे की जरूरत पड़ती है अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं।